क्या, कब और कहाँ हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही प्यार की जो शादीशुदा होने के बावजूद भी हुआ, और ऐसा हुआ जिससे कईयों के घर टूटे तो कुछ का बिखरते बिखरते रह गया। प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख के लिंकअप्स की खबरें मीडिया की सुर्खियों में रही, जो कि उनके करियर की सबसे पहली कॉन्ट्रोवर्सी थी। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप इन आरोपों से बचते रहे। कई इंटरव्यू में प्रियंका ने जहां इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वहीं कई जगह उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी जिंदगी में शाहरुख के लिए कोई जगह नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हीं अफवाहों की वजह से प्रियंका के गौरी और करण जौहर के साथ अच्छे टर्म नहीं है। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ के अफेयर की खूब चर्चा रही। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ और बॉलीवुड एक्टर साहिल खान के कथित अफेयर की भी इंडस्ट्री में काफी चर्चा रही। इस कहानी की शुरुआत साल 2009 में उस प्रोडक्शन हाउस से हुई जो दोनों ने मिलकर खोला था। दोनों की पार्टनरशिप साल 2014 में एक बुरा रूप ले चुकी थी, जब आयशा ने साहिल के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बताया जाता है कि इसके बाद जवाब में एक्टर के वकील ने दोनों की कुछ इंटीमेट तस्वीरें कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। बताया जा रहा था कि दोनों के बीच प्रोफेशनल कमिटमेंट से भी बढ़कर बॉन्डिंग थी। हालांकि बाद में आयशा ने यह भी बयान दिया कि उनका अफेयर नहीं हो सकता क्योंकि साहिल गे हैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की थी चर्चा। बॉलीवुड में अफेयर के किस्सों की चर्चा जब भी होती है, एक नाम संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का भी रहा है। बता दें कि संजय दत्त ने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से लव मैरिज की। कहते हैं कि उन्हें पहली ही नजर में ऋचा को किसी मैगजीन में देखते ही प्यार हो गया, और फिर जैसे तैसे शादी के लिए उन्हें और उनकी फैमिली को तैयार किया। साल 1987 में दोनों की शादी हुई। उनकी शादीशुदा जिंदगी में चीजें तब खराब होने लगी जब 1991 में फिल्म साजन के दौरान संजय और माधुरी के अफेयर की अफवाहें ऋचा तक पहुंची। ऋचा को तब कैंसर का पता चला और वो अमेरिका में अपना इलाज करवा रही थी। कहा जाता है कि वो परेशान होकर वापस इंडिया आई और फिर चीजें बिगड़ती चली गई। माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेनी से शादी रचाई। सनी देओल और डिंपल कपाड़िया। ऐसा ही किस्सा सनी देओल और डिंपल कपाड़िया से भी जुड़ा है। साल 1973 में 16 साल की डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म बॉबी से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और उसी साल वो राजेश खन्ना की पत्नी भी बन गई। सनी देओल ने 1983 में फिल्म बेताब से डेब्यू किया और अपनी आकर्षक पर्सनालिटी से सभी एक्ट्रेसेस के दिलों में बसने लगे। डिंपल और सनी की धमाकेदार जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जिसमें अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ शादीशुदा होने के बावजूद दोनों के अफेयर की अफवाहें उड़ी। कहते हैं कि इसके बाद ही एक्ट्रेस राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। बताया जाता है कि 11 साल तक उनका ये कथित अफेयर चला। मीडिया में यहाँ तक चर्चा हुई थी कि सनी देओल की पत्नी पूजा ने उन्हें इस रिश्ते को खत्म करने की धमकी दी थी, वरना दोनों बेटों को लेकर घर से निकल जाने की बात कह दी। प्रभु देवा और नयनतारा के अफेयर का किस्सा। प्रभु देवा और नयनतारा के अफेयर के किस्से में एक बड़ा ट्विस्ट है। चर्चा है कि प्रभु देवा से शादी करने के लिए उनकी पहली पत्नी से नयनतारा ने फोन करके सहमति मांगी थी। प्रभु देवा और लता ने 1995 में शादी की और उसके बाद उनकी लाइफ में एंट्री हुई नयनतारा की। बात इतनी बढ़ गई कि प्रभु देवा ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। वैसे कहते हैं कि लता ने अपनी शादी को बचाने की काफी कोशिश की। पहले सुलह कराने की अपील लेकर लता कोर्ट पहुंची और धमकी भी दे डाली कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर भी चली जाएंगी। हालांकि वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाई और उनका रिश्ता बिखर गया। रोहित और प्राची देसाई की भी रही चर्चा। बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने साल 2005 में माया शेट्टी से शादी की। साल 2012 में रोहित के अफेयर की भी अफवाहें उड़ी। बताया जा रहा था कि रोहित और प्राची देसाई फिल्म बॉल बच्चन की शूटिंग के दौरान करीब आए। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को वक्त रहते संभाल लिया। शिल्पा के लिए राज कुंद्रा ने लिया बड़ा फैसला। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी पहले से ही शादीशुदा थे। रिपोर्ट्स की माने तो 3 सालों की उनकी शादीशुदा लाइफ तब खराब हो गई जब बिग ब्रदर जीतने के बाद शिल्पा शिंदे से मिले थे राज। उनकी पत्नी अपना घर तोड़ने की जिम्मेदार शिल्पा को ही मानती हैं। सैफ और अमृता की शादी की डोर
निकली कमजोर। सैफ अली खान ने खुद से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से 1991 में गुपचुप शादी रचाई, लेकिन उनके इस रिश्ते की डोर थोड़ी कमजोर निकली। इसके बाद सैफ की लाइफ में इटालियन मॉडल रोजा आ गई, जिनके साथ कई सालों तक उनका अफेयर रहा। साल 2004 में उन्होंने अमृता से तलाक लिया और 2012 में करीना से शादी की। राज कपूर के प्यार के किस्से। राज कपूर ने 1930 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की। राज कपूर और नरगिस ने कई हिट फिल्में दी हैं और फिर 1940 से 1950 तक उनके अफेयर के किस्से भी खूब उड़े। हालांकि राज अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अंत में नरगिस ने इस कहानी को खत्म कर दिया। इसके बाद राज कपूर की लाइफ में वैजयंती माला की एंट्री हुई और दोनों के अफेयर के किस्से सुनकर एक्टर की पत्नी कृष्णा राज काफी परेशान हो गई और बच्चों के साथ वो होटल में चली गई। कहते हैं कि उन्हें मनाने और होटल से घर लाने तक वैजयंती माला गई थी और फिर उसके बाद जाकर इस कहानी का अंत हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का किस्सा। साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस पूनम से शादी की। पहले दोनों में प्यार हुआ, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए मान गए। शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में काफी रहे। कहते हैं कि उनका अफेयर 7 सालों तक चला और इस बारे में सुनकर पूनम को भी काफी दुख हुआ। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने परिवार के हित में फैसला लिया और इस रिश्ते से किनारा कर लिया। आमिर खान और किरण राव की कहानी। आमिर खान ने रीना दत्ता से साल 1986 में शादी की और वो उस समय सिर्फ 21 साल के थे। रीना से उन्हें इरा और जुनैद खान दो बच्चे भी हुए। 15 साल तक उनकी शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी चल रही थी कि तब अचानक उनके रिश्ते खराब होने लगे। तब किरण राव आमिर खान के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। साल 2002 में आमिर और रीना ने तलाक की अर्जी डाल दी और फिर ये दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। किरण से आमिर का एक बेटा आजाद है जो सरोगसी से हुआ है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।